मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है वीडियो कैमरा। तो वीडियो कैमरा होता क्या है? सबसे पहले जब हम कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा दो तरीके के होते हैं, स्टिल कैमरास एंड वीडियो कैमरास। स्टिल कैमरा का काम होता है पिक्चर कैप्चर करना, ठीक है। वीडियो कैमरा का काम होता है वीडियो कैप्चर करना। तो एक वीडियो होती क्या है? वीडियो इज अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस मूविंग इन अ सीक्वेंस। जब आप एक नंबर ऑफ इमेजेस को एक पर्टिकुलर रेट और फ्रेम पर सेकंड पे बहुत तेजी से अपने सामने मूव करते हुए देखते हैं तो उसे हम कहते हैं वीडियो। तो वीडियो कैमरा डायरेक्टली वीडियो कैप्चर करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीडियो कैमरा पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में। तो वीडियो कैमरा होता क्या है ये बताने से पहले आपको ये बताना चाहिए, एक वीडियो कैमरा का डायग्राम बना देना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप ऐसी टेक्निकल चीजों को डायग्राम के साथ समझाते हैं तो वो समझने वाले को ज्यादा हेल्प करती है। तो ये वीडियो कैमरा का बेसिक डायग्राम है जिसे बनाना कतई ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। स्टार्टिंग का बस इतना हिस्सा अगर आपने बना लिया तो बाकी सब में मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये मैं हिस्सा आपको बनाना सिखा देता हूं। पहले एक सीधी लाइन खींचिए, दूसरी लाइन उससे एक सेंटीमीटर नीचे गैप पे जो कि उसके एक सेंटीमीटर नीचे एंड होती हो, दोनों को जोड़ दीजिए। बीच में ऐसी चार लाइनें लाइए इक्वी डिस्टेंस, सर्कल, यहां से कुछ एंगुलर लाइंस एंड देन उन्हें एक्सटेंड कर दीजिए। बस इसके ऊपर आपको बनानी है तीन सेक्शंस, जैसा कि आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं। अगर आपने ये हिस्सा बना लिया तो मुझे नहीं लगता पूरे के पूरे डायग्राम में एक और भी कुछ बनाना आपके लिए कोई टफ है। यहां से एक बार स्टार्ट हो गई तो बस आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं। अब डायग्राम के बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको इस पूरे डायग्राम में दिख रहा होगा ये हिस्सा है जो सर्कल का है, इसे हम कहते हैं लेंस। लेंस होता क्या है? देखिए लेंस एक तरीके का ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि एक हाईली पॉलिश्ड ग्लास सरफेस से बना हुआ है। लेंस का काम होता है कि वो आपकी इमेज को और मैग्नीफाई करके और उसको आप ज्यादा क्लोज ले जा करके या उससे काफी दूर ले जा करके आपको दिखाए। जूम इन जूम आउट के जो ऑप्शंस हैं वो लेंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। लेंस के और भी कई काम है, ठीक है। सबसे पहले लेंस आपकी जो इमेज है उसको अगर जूम इन की बात करूं तो कई दफे हम जब ऑब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज जाते हैं तो वो बड़ी दिखाई देती है बट वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, इमेज बिगड़ जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस आते हैं जो कि इन सबके तरीकों से या मैं कहूं उनको इस्तेमाल करके आप एक अच्छी इमेज क्वालिटी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम वीडियो की बात कर रहे हैं तो लेंस का सिर्फ इतना काम है कि वो एक अच्छी आपको वीडियो कैप्चर करके दे। वो कैसे देता है? वो एक हाईली पॉलिश्ड ग्लास सरफेस ऑप्टिकल डिवाइस है जो उसके ऊपर पड़ने वाली रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। लेंस के बारे में समझाते हुए आप एक डायग्राम और बना सकते हैं लेंस का, एक बेसिक डायग्राम लेंस का ऐसे बना दीजिए और दिखा दीजिए कि ये कुछ रेज आई तो लेंस ने उसे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जेंस का। दूसरा डायग्राम बना दीजिए कि यही कुछ रेज आई तो लेंस ने उन्हें डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। एरो जरूर डाल देना वरना ऑप्टिक्स का सवाल है भैया, मार्क्स तो पक्का कटेंगे अगर एरोज नहीं आए तो। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनर को समझाने के बहुत काम आएगा कि लेंस का मेन पर्पज है क्या। इसके बाद बात करते हैं हम लेंस हुड की। लेंस हुड एक तरीके की प्रोटेक्शन है जो कि लेंस के ऊपर हम लगाते हैं जनरली उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, धूल मिट्टी डस्ट या फिर सनलाइट। जब हम पर्टिकुलर सनलाइट हमारे लेंस हुड के ऊपर पड़ती है तो वो एक अनवांटेड ग्लेयर प्रोड्यूस करती है जो हम नहीं चाहते हमारी इमेज के अंदर या हमारे वीडियो के अंदर दिखाई दे। इसलिए हम लेंस हुड का इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करे अनवांटेड ग्लेयर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट से। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक तरीके का ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। देन उसे क्या कहते हैं हम लोग मैनिपुलेट करते हैं या फिर मैं कहूँ अपने हिसाब से एडिट करते हैं। तो माइक्रोफोन के दो स्लॉट्स जनरली इस टाइप के एक वीडियो कैमरा के ऊपर गिवन होते हैं। इस टाइप का वीडियो कैमरा को हम ENG या EFP कैमरा कहते हैं जो कि हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग या फिर फिल्म प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो स्लॉट दिए होते हैं माइक के। पहला माइक जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो होता है शॉटगन माइक जो कि इसके ऊपर माउंटेड होता है। ये एक माइक्रोफोन है बट इसको हम कहते हैं शॉटगन माइक। राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है।
तो शॉटगन माइक का काम होता है आसपास की एम्बियंट साउंड को कैप्चर करना। एम्बियंट का मैं मतलब आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, जो साउंड हम चाहते हैं कि कैप्चर हो, जो कि एक नेचुरल लुक देता है वीडियो को। दूसरा जो स्लॉट होता है उससे हम एक एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करते हैं, चाहे वो लेवलियर हो चाहे वो आपका कॉलर माइक हो, जब आप उसे इंटरव्यू कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करें या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो कैमरा के थ्रू, तब आप उस तरीके का एक एक्सटर्नल माइक इससे कनेक्ट कर देते हैं। फिर आता है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर का काम होता है कि आपकी जो इमेज या आपकी जो वीडियो आप कैप्चर करने वाले हैं उसका एक प्रीव्यू आपको पहले दिखा दे कि भैया ये आप कैप्चर करने वाले हो, देख लो ये गलतियां आ रही हैं, आप इसे सुधार भी सकते हो। दूसरा आता है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का मतलब होता है ये एक व्यू फाइंडर रिंग थी यहां पर, जहां पर लेंस लगे हुए थे जो कि आपको पर्टिकुलरली व्यू जो था वो यहां से होके इस ऑप्टिकल व्यू फाइंडर पे ला रहा था। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर बेसिक वो जगह है या वो पीस है जिसके थ्रू आप पूरे की पूरी व्यू को देखते हैं। फिर आता है एलसीडी मॉनिटर। देखिए आजकल के ENG या EFP वीडियो कैमरास के अंदर जो व्यू फाइंडर होता है उसका काम एक LCD मॉनिटर भी कर देता है। क्या होता है कि हमारा जो LCD मॉनिटर है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रॉनिक प्रीव्यू प्रोवाइड करता है हमारे ऑब्जेक्ट का जिसे हम कैप्चर करने वाले हैं। उसके बाद LCD मॉनिटर के अंदर काफी तरीके के इंडिकेटर्स भी हमें दिखाई देते हैं कि हमारी बैटरी कितनी है, हमारा क्या कहते हैं एक्सपोजर कितना आ रहा है, ब्राइटनेस कितनी है, कलर लेवल्स क्या है, और हमारे ये अपर्चर कितना है, हमारा फोकस कहाँ है या नहीं है, जूम कितना हो रखा है कितना नहीं हो रखा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। टाइमिंग दिख जाएगी कि किस टाइम पे आप कैप्चर कर रहे हैं, कितनी देर हो गई आपको रिकॉर्ड करते हुए, तो वो बता देता है LCD मॉनिटर। उसके बाद बात करते हैं वाइट बैलेंस की। वाइट बैलेंस का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है एक कैमरा के अंदर जब हम कलर कंपोजिशन को ठीक करते हैं, जब हम डे लाइट में शूट करते हैं तो उस दौरान हमारे जो कलर्स हैं वो ज्यादा येलोइश या वार्म्थ शो करते हैं, तो जब हम वाइट बैलेंस बटन दबाते हैं या अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पूरे का पूरा सीन शूट हो रहा है उसके अंदर क्या कहते हैं पूरा के पूरे सीन के अंदर ब्लैक चीज पूरी ब्लैक दिखाई देगी एंड व्हाइट चीज टोटली व्हाइट दिखाई देगी, और इन दोनों के बीच के जो कलर्स हैं वो आपको कलरफुल दिखाई देंगे। मैं रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक लड़का बार बार पास हो रहा है जो कि बुलेट की आवाज मुझे बार बार सुना सुना करके जा रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट। आगे से मैं एक माइक का इस्तेमाल जरूर करूंगा, पहले अपने लिए प्रबंध करूंगा उसका, उसके बाद उसे इस्तेमाल करूंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑन ऑफ बटन की। भैया ऑन ऑफ बटन तो इतना काम की चीज है कि क्या बताऊं, इसका जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे या इसको जब तक आप दबाएंगे नहीं तब तक आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पूरे के पूरे वीडियो कैमरा को स्टार्ट ही यही करता है। और क्या बोले, फोकस रिंग आपकी फोकस मेंटेन करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस में है या नहीं है। जूम रिंग का काम होता है आपके जूम आप कितना जूम इन या जूम आउट करें उसे कंट्रोल करना। अपर्चर रिंग आपकी अपर्चर कंट्रोल करती है कि कितने अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटर करेगी आपके इस वीडियो कैमरा के अंदर या एग्जिट करेगी। तो ये सारे के सारे पार्ट्स एंड फंक्शन थे आपके वीडियो कैमरा के, कि इन सब पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है ये मैंने बता दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो कैमरास पार्ट्स एंड फंक्शन। आई एम सौरभ शुक्ला, थैंक यू फॉर वॉचिंग।